अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग जी। तो ये रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत इजी और क्विक रेसिपी, इस वीडियो में जो मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है वो मैं आपके साथ वीडियो के एंड पे शेयर करूँगी। सो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, थैंक यू। स्लाइस मैंने पोटैटो के कट कर लिए हैं थोड़े बारीक से, और पर्सनली मुझे जो है वो अनियन रिंग्स भी पसंद हैं, जिसकी वजह से मैंने जो है यहाँ पे एक अनियन भी काट ली है। इसके अब मैं बारीक से रिंग्स बनाऊँगी और इनको भी जो है वो साथ में फ्राई करते हैं। चलें जी। तो यहाँ पे मैंने बेसन ले लिया है पेस्ट बनाने के लिए, और इसमें जो है मैं ऐड करूँगी, सबसे पहले मैं इसमें साल्ट ऐड करूँगी, बस पे ज़रूरत जितना आपको पसंद हो, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने साल्ट ऐड कर दिया, नमक, और थोड़ा सा इसमें मैं डालूँगी ज़ीरा, और इसमें डालूँगी मैं सुरख मिर्च, लाल मिर्च डालूँगी पाउडर, और इसमें मैं ऐड करूँगी हल्दी, इसका कलर अच्छा हो जाएगा ज़बरदस्त सा। ये मैंने ऐड की, और यहाँ पे मैंने इसमें ऐड कर दिया खुश्क धनिया। सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें मैंने डाल दिए, और अब यहाँ पे एंड में डालूँगी मीठा सोडा जो है, और बेकिंग पाउडर जिसको कहते हैं, और तकरीबन एक चुटकी के बराबर थोड़ा सा, ताकि थोड़े से जो है ना ये क्रिस्पी से बने। ये यहाँ पे मैं डालूँगी, तो अब इसको जो है वो हम पेस्ट बना लेते हैं। इसमें मैं डालूँगी पानी, इसको जो है मैंने पहले अच्छे से मिक्स कर लिया सारी चीज़ों को। आप अपने हिसाब के मुताबिक जो है वो क्वांटिटी डाल सकते हैं, मैं क्योंकि ज़्यादा नहीं बना रही इसलिए जो है वो थोड़ा सा ही पेस्ट के मैंने चीज़ें ऐड की हैं। सो अब यहाँ पर इसका मैं बना लूँगी पेस्ट, ऐसे कि इसमें कोई गुठलियाँ वगैरह या कुछ ऐसा ना रहे, अच्छे से ये जो है सारी चीज़ें मिक्स हो जाए। ये बहुत जल्दी बन जाने वाली चीज़ है, जो कि अगर रफ्तारी में टाइम कम रह गया हो तो जल्दी जल्दी से ये बनाएं, और अगर आपके घर में दो से तीन पोटैटोज़ भी अगर हैं तो आप लोग ये रेसिपी जो है वो आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पे इसका बहुत ज़बरदस्त सा पेस्ट जो है वो रेडी हो चुका है, और स्मूथ सा पेस्ट बन चुका है। इसमें जो छोटे से दाने आपको नज़र आ रहे हैं ये खुश्क धनिया के दाने हैं, और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ जी। तो यहाँ पे ऑयल जो है वो ऑलमोस्ट गर्म हो चुका है, और दूसरी साइड पे जो मैं हंडी बना रही थी यहाँ पे कोरमा बना रही हूँ, चेक करें ज़रा ये बन रहा है, और साइड पर जो है वो मैं फ्राई करूँगी। पहले चेक कर लेते हैं कि ऑयल गर्म हुआ है कि नहीं अच्छे से। यस, गर्म हो चुका है। सो अब मैं अब इसमें एक एक करके कटलेट डालती जाऊँगी और इसको फ्राई करती जाऊँगी। आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, और स्पेशली मेरी फ्रेंड हैं मुनीबा खान, आई एम मिसिंग यू सो मच मुनीबा, क्योंकि रमज़ान में हम लोग स्पेशली उसको कटलेट बहुत पसंद थे और मैं कटलेट बनाती थी, और जब भी कभी मैं बनाऊं या स्टेटस में लगाऊं तो वो लाजमी मुझे कमेंट करती है, और ये कटलेट आज के जो हैं वो मुनीबा आपके नाम। आई होप कि वो मेरी वीडियो देखेंगी, और मुनीबा देख के जो है ना उस पर कमेंट भी मस्ट करना। तो यहाँ पे ये फ्राई हो रहे हैं, याद रहे कि ये जो है ऑयल जो है वो अच्छे से गर्म हो, ताकि जो है चेक करते जाएंगे, इनकी साइड चेंज करेंगे और देखेंगे कि ज़्यादा फ्लेम जो है वो भी तेज़ नहीं रखनी होती, क्योंकि जल्दी से वो ऊपर से ब्राउन हो जाते हैं और अंदर से जो है वो पोटैटोज़ कच्चे रह जाते हैं। ये रेसिपी इतनी मज़े की और इतनी क्विक है कि इसको हम किसी भी टाइम पर अगर रमज़ान के अलावा भी अगर चाय के साथ खाना चाहें तो बस तकरीबन 4 से 5 मिनट में ये रेसिपी जो है वो रेडी हो जाती है। और आप लोग बताएं कि आज इफ्तारी में आप लोग क्या क्या बना रहे हैं, और रमज़ान कैसा जा रहा है आप सबका, हमें भी अपनी दुआ में लाजमी शामिल करिएगा, और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा, और दूसरा जो है वीडियो को लाइक करिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये थोड़ी सी कोशिश अगर आप लोग अप्रिशिएट करेंगे तो इंसान का दिल बड़ा हो जाता है और अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं। बाकी अगर वीडियो में इंप्रूवमेंट लाने के लिए कुछ एडवाइसेज दे सकते हैं तो काइंडली दीजिएगा, वीडियो पर कमेंट लाजमी किया करें, जैसी भी आपको वीडियो लगती है अगर आपको सही लगता है। करते हैं इनको
फ्राई हो चुके हैं या इनको ऐसे ऐसे निकालते हैं और प्लेट में डालते जाते हैं। ज़्यादा भी ना ब्राउन हो जाए ना तो जो ऐसे चले चले कि उसमें से टेस्ट आता है। इसको हम जो है बारी बारी से प्लेट में निकालते जाएंगे ऐसे। और मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा नहीं हमने बोलिया। और यहाँ पर थोड़ा सा लगाते हैं म्यूज़िक। यस जी, तो आज जो इस वीडियो में मुझसे गलती हुई ये थी कि मैं कैमरा गलत तरीके से पकड़ बैठी थी और इसलिए जो है वीडियो सही नहीं आपको नज़र आ रही, और सो इसके लिए माजरा चाहती हूँ। तो टाइम बिल्कुल 2 मिनट्स रह गए थे वीडियो इफ्तारी होने में, सो मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।